देश के लोगों को बोलना चाहता हूं, यह मत सोचना कि यह केवल दिल्ली वालों के साथ हुआ है। मुझे अंदर से पता चला यह मोदी जी का पहला वक्त। नमस्कार, एसपीएन आई न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन पहले ही दिन कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई। लेकिन जिस तरीके से यहां पर संसद के नए सत्र में जिस तरीके से मुद्दे यहां पर गरमाते हुए नजर आ रहे हैं, पहला यूसीसी का मुद्दा है, दूसरा मणिपुर हिंसा का मुद्दा है और तीसरा जो है वो केजरीवाल के अध्यादेश का मुद्दा है। मोदी सरकार जो है केजरीवाल को चुनौती देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए अध्यादेश लेकर आई है और अरविंद केजरीवाल जो है इस अध्यादेश के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार रैली कर रहे हैं और जनता को संबोधित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां भी कर रहे हैं। पीएम पद की दावेदारी को लेकर के यहां पर निशाना साधते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा। आपने मुख्यमंत्री जी को चुना, दिल्ली सरकार में इतनी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आई, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी यहां शासन कर रही है तब से इनका इरादा यह है कि किसी तरीके से इस शासन को चलने ना दो। आपको मालूम है कि संविधान में, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, इसलिए मैं सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। मैं कोई कानूनी बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी बात करूंगा जो आप लोगों को समझ आए। संविधान हमारा यह कहता है कि तीन चीजें केंद्र सरकार के हक में होंगी, जिसके बारे में राज्य सरकार जो है, जो केजरीवाल की सरकार है, उसमें दखलअंदाजी नहीं हो सकती। पहला तो जमीन, लैंड। ये क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली जो हमारी राजधानी है वहाँ एक डेवलपमेंट होगी और किस तरह से मकान बनेंगे, किस तरह से इमारतें बनेंगी, तो उसका सारा पावर जो है वो केंद्र सरकार को है, वो सही भी है। दूसरा, पुलिस। यहाँ कोई दंगे हो जाए, यहाँ कोई फसाद हो जाए, तो क्योंकि राजधानी है पुलिस की पावर भी केंद्र सरकार को होगी। और तीसरा, पब्लिक ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक व्यवस्था। जहाँ तक पब्लिक ऑर्डर का भी सवाल है, वो भी पावर केंद्र सरकार को होगी। इसके अलावा कोई पावर केंद्र सरकार को नहीं होगी। केंद्र सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि किसी तरीके से भी सारी पावर खुद में समेट लें और जो आपकी गिनी चुनी हुई सरकार है उसको जीरो बना लें। हमेशा से ये इनका लक्ष्य रहा है, लेकिन जनता इनके साथ है। जनता भाजपा के साथ नहीं है, जनता मोदी जी के साथ नहीं है, जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है। ये बात इनको गले में अटकी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहने लगे कि जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो भी हम चुनेंगे और जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने फिर दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों दी? अगर आपने सारी पावर ही अपने हाथ में रखनी है तो फिर आप इसको यूनियन टेरिटरी की तरह चलाना चाहते हो। आपको मालूम है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, आपको मालूम है कि कई ऐसी जगह हिंदुस्तान में है जो यूनियन टेरिटरी रही हैं और वहाँ कोई असेंबली नहीं है। असेंबली बनाने का मतलब क्या था? असेंबली बनाने का यही मतलब था ना कि जो लोग चाहें वही काम हो, लेकिन यहाँ लगता है कि जो मोदी जी चाहते हैं वही काम होना चाहिए। ये तो ना तो जनता को स्वीकार होगा, ना हमारे लोगों को स्वीकार होगा, ना हमारी देश की जनता को स्वीकार होगा। तो इन्होंने बड़ा प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पहले 5 जजेस ने फैसला किया, उसके बाद दोबारा फैसला हुआ, दोबारा 5 जजेस का फैसला हुआ और इन्होंने कोशिश ये की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को द्वारा जो भी, देखिए किसी भी मंत्री के नीचे एक सेक्रेटरी होता है, जो भी मंत्री और जो भी सरकार के फैसले होते हैं उन फैसलों का पालन सेक्रेटरी को करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने यह तय कर लिया कि सेक्रेटरी भी हम बनाएंगे
और जो हम कहेंगे वो सेक्रेटरी करेगा, लेकिन मंत्री पूरे देश का रेलवे में, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक टेस्ट करके देखना, कोई सेकंड क्लास एसी, थर्ड एसी, सेकंड क्लास की टिकट खरीद लेना, सेकंड क्लास स्लीपर की, एक बारी रेल में जाके देखो इन्होंने रेलवे का क्या हाल कर दिया, पूरी रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा खासा चलता हुआ रेलवे इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। 2002 में प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, 21 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 21 साल। 2015 में मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, मेरे को 8 साल हो गए दिल्ली पे राज करते करते। आज मैं चैलेंज करता हूं और देश की जनता को अपील करता हूं, मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। केजरीवाल ने ज्यादा काम करा, केजरीवाल ने 8 साल में ज्यादा काम करा कि मोदी जी ने 21 साल में ज्यादा काम करा? अरे इनसे काम तो होता नहीं है, देश के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये आज दिल्ली के सारे अच्छे काम रोकना चाहते हैं। मोदी जी के पास तो फुल पावर थी 21 साल, मेरे को तो इन्होंने काम भी नहीं करने दिए, हर काम में टांग अड़ाया, फिर भी मेरे 8 साल उठा के देख लो, कितने स्कूल बनवा दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, लोगों के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं अच्छी, बिजली मुफ्त कर दी, मैंने बिजली मुफ्त करी। मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, अरे गरीबों के हाथ में अगर 4 रेवड़ी रख दी तो कौन सा बुरा हो गया? मोदी जी आपने तो रेवड़ी नहीं, पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्त को दे दिया, पूरा का पूरा देश उठा के अपने दोस्त को दे दिया, पूरा की पूरी केंद्र सरकार उठा के अपने दोस्त को फ्री में दे दी। मैंने तो 4-4 रेवड़ी रखी थी एक एक हाथ में, गरीबों के हाथ में, आपने तो रेवड़ा ही उठा के दे दिया सारा का सारा। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतने स्कूल बना दिया, आपने क्या किया? उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी पिछले साल में गुजरात का चुनाव लड़ने गया, वहां पे हर आदमी, गुजरात के हर आदमी के मुंह पे था, अरविंद जी आपने स्कूल इतने अच्छे कर दिए, आपने दिल्ली में स्कूल बच्चों की शिक्षा इतनी अच्छी कर दी, तो एक दिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मैं भी जाके स्कूल में फोटो खिंचवाऊंगा। पूरे गुजरात में ढूंढने से उनको एक स्कूल नहीं मिला जिसमें मोदी जी फोटो खिंचवा ले, एक स्कूल। 30 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, एक स्कूल नहीं मिला इनको। एक स्टूडियो के अंदर टेंट लगा के एक क्लास, फर्जी क्लास बनानी पड़ी, 10 बच्चे बुलाए, डेस्क लगाए, वहां पे मोदी जी एक बच्चे के साथ बैठे और उन्होंने फोटो खिंचवाई। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे कि केजरीवाल ने इतना काम कर दिया, आपका काम कहां है? तो अब मोदी जी ने तय किया, मैं केजरीवाल को काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया, उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सतिंदर जैन को उठा के जेल में डाल दिया, उनको लगा सतिंदर जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक तो सुना आपने, केजरीवाल जो है वो अध्यादेश को लेकर के बड़ा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आप इस बड़ी खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या वाकई मोदी सरकार ये अध्यादेश उनको वापस लेना पड़ेगा? देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 News।